खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके से, जहां हाल ही में आइसक्रीम कोन में मिली आदमी की उंगली के हिस्से के मामले में जांच के दौरान अहम खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा कराए गए डीएनए रिपोर्ट में उंगली का वे हिस्सा पुणे के इंदापुर में एक आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि उंगली के हिस्से का डीएनए और आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी ओमकार पोते का डीएनए एक ही है। मलाड पुलिस स्टेशन की हद में आइसक्रीम में उंगली पुणे के फॉर्च्यून कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट ऑपरेटर मैनेजर ओमकार पोटे की है। ओमकार पोटे की कटी हुई उंगली का डीएनए से खुलासा हुआ कि उंगली का हिस्सा ओमकार पोटे का है। पैकिंग के दौरान दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली का हिस्सा कटा था। मलाड पुलिस के अनुसार ओमकार पोटे की उंगली 11 मई 2024 को कटी थी। डॉक्टर की आइसक्रीम में जो उंगली मिली थी उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उसी दिन का है। मलाड पुलिस ने फिलहाल आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई रवि अडानी ने बताया कि आइसक्रीम के पैकिंग के दौरान हादसा हुआ था, तभी कर्मचारी की उंगली कट गई थी। जून को हमें एक कंप्लेंट में आया था, उन्होंने कंप्लेंट दी थी। उन्होंने एक जोटो से एक आइसक्रीम मंगवाई थी और आइसक्रीम में उनको एक ह्यूमन पार्ट मिला था, तो उसके बाद उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट दिया। हमने आईपीसी धारा 272, 273 और 236 आईपीसी के तहत एक गुना दाखिल किया था और उनका जो गुना दाखिल हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जब हम इंदापुर पहुँचे थे तो वहाँ पर एक फैक्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ था। एक लड़के को मिडल फिंगर में, राइट हैंड के मिडल फिंगर पे एक चोट आई थी, इतना पता था। उसके बाद हमने उनको बम्बई बुलाया, उसके बाद उनकी पूरी मेडिकल जांच की और डीएनए सैंपल्स लिए थे, जो कि हमें आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था उसको मैच करने के लिए हमें उनके डीएनए सैंपल्स भेजे थे। उसका कल हमें रिपोर्ट आया, वो पॉजिटिव आया है। कि पता चला है कि जब 11 मई को जब ये प्रोडक्ट बना था आइसक्रीम का, एक दिन जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट में ये लड़के का जो राइट हैंड के मिडल उंगली का जो पार्ट था वो आइसक्रीम में पाया गया। आइसक्रीम है ये प्रोडक्ट जो है।